नाबालिग ने ड्राइविंग की तो 25 साल होने तक नहीं बनेगा लाइसेंस। अपने बच्चों को बताइए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के नए प्रावधान। अगर किसी नाबालिग ने वाहन की ड्राइविंग की तो जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय 25,000 रुपए के साथ ही 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे। केंद्र सरकार से मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के जारी करने के बाद पुलिस ने नए प्रावधानों के बारे में समझाना शुरू किया है। पुलिस जगह जगह लोगों को नए नियमों के तहत लगने वाले जुर्माने के बारे में भी बता रही है। जहां पहले इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर कोई जुर्माना नहीं था, वहीं अब ऐसा करते पाए जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। इतना ही नहीं, 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन मालिक और चालक के अभिभावक दोषी माने जाएंगे। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में 9 अगस्त को इस अधिनियम को पारित किया था। उधर श्रीगंगानगर यातायात प्रभारी कुलदीप चारण का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 अगले माह लागू हो जाएगा। लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वे नियमों के तहत ही वाहन चलाएं ताकि दुर्घटना ना हो। नया जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है, इसमें जुर्माना काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसमें, और शीघ्र अगले महीने तक राज्य सरकार से आदेश आने के बाद में हम इसे तुरंत लागू कर रहे हैं। ये अगले महीने तक लागू हो जाएगा तो हम चाहते हैं इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता हो। कितना ज़्यादा जुर्माना है आम आदमी दे नहीं पा रहा है, तो यातायात के जो नियम हैं उनकी सभी पालना करें और सड़क सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बरती जाए ताकि कैजुअलिटीज कम हो। अब आप भी जान लीजिए कि नए नियमों के तहत किस पर कितना जुर्माना लगेगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया तो 10,000 रुपये जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 से 1,000 रुपये जुर्माना, टू व्हीलर पर 2 से अधिक सवारी 100 से 1,000 रुपये का जुर्माना, हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए से 1,000 रुपए जुर्माना और 3 माह तक डीएल निलंबित, इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता बाधित करने पर 10,000 रुपए जुर्माना, बिना डीएल वाहन चलाने पर 500 से 5,000 रुपए जुर्माना, डीएल रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना 500 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना, ओवर स्पीड के लिए 400 रुपए से 2,000 रुपए तक का जुर्माना, खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए जुर्माना, बिना परमिट पाए जाने पर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए जुर्माना, ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपए प्रति टन जुर्माना और बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।